हेलो एवरीवन, मेरा नाम विकास कुमार वर्मा है। मैं MBBS फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ GSV मेडिकल कॉलेज कानपुर उत्तर प्रदेश में। मैंने 637 मार्क्स स्कोर किए थे 2021 के पेपर में, 6603 रैंक आई थी मेरी। सो नीट की स्ट्रेटजी सबकी अपनी अपनी होती है, हर इंडिविजुअल अपने तरीके से परफॉर्म करता है, अपनी तरीके से वो एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस करता है। लेकिन मेरे लिए सबसे बेसिक चीज़ है कि आपको सबसे पहले तो कंसिस्टेंस होना है। हमेशा आपका बहुत बार होता है कि पढ़ाई करने का मन भी नहीं करता है। कई दिन ऐसे आते हैं कि आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो आप सोचते हैं कि नहीं, आज मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं। या फिर बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है तो फिर सोचते हैं कि एक दो दिन तक पढ़ाई नहीं करते हैं। वो सब चीज़ों को आपको ध्यान पर रखना है। आपका जिस दिन ना भी मन करे, उस दिन भी आप 2-3 घंटे कम से कम पढ़ाई करिए। दूसरी चीज़ है आपको प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चन पेपर्स की और एग्ज़ाम में बैठने की। क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, उनको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आती है, लेकिन वो 3 घंटे में जब वहाँ पे अप्लाई करनी होती है चीज़ें, तो वहाँ पे वो लैग कर जाते हैं। क्योंकि वो उन्होंने शुरू से प्रैक्टिस नहीं की होती है 3 घंटे लगातार बैठने की, या एग्जामिनेशन हॉल में। यहाँ पे बहुत बच्चे जो इंस्टीट्यूशन या कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन करते हैं, या फिर बहुत बच्चे घर से भी करते हैं, तो जो भी जैसे भी करता है, आपको 3 घंटे प्रैक्टिस बैठने की कम से कम। आपको पेपर आ रहा हो या ना आ रहा हो, कि आप फिर सोचे कि नहीं, मेरा पेपर 2 घंटे में ही हो गया है और मैं छोड़ के चला जाता हूँ, ऐसे बहुत बच्चे करते हैं। तो लेकिन आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटे बैठने ही बैठने हैं, क्योंकि आपको नहीं पता है कि एग्ज़ाम पेपर कैसा आएगा। तो बहुत बार होता है कि अगर ईजी पेपर आता है तो बच्चे जल्दी कर लेते हैं, और थोड़ा टफ़ पेपर आता है, थोड़ा उस तरीके से होता है, तो बच्चों को टाइम लगता है। तो अगर आपकी हैबिट नहीं होगी तो आप 3 घंटे बैठ के पेपर कर नहीं पाएंगे। तीसरी चीज़ है, आपको अपना फ्रेंड सर्कल और अपने फैमिली का सपोर्ट हमेशा ज़रूरी होता है। आप अपना फ्रेंड सर्कल अच्छे से डिसाइड करें कि कैसे बच्चे मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं या बुरे मार्क्स आते हैं। वो क्रिटिसाइज़ भी गुड वे में करें, कि आपको डिमोटिवेट ना करें कि हाँ तुझसे नहीं हो पाएगा, या जैसा भी है। बहुत बार फैमिली का भी प्रेशर काफ़ी रहता है, लेकिन आपको अगर कोई नेगेटिव चीज़ है तो इसको इग्नोर करना है। डे टू डे लाइफ में नेगेटिव चीज़ें तो आती ही रहती हैं, आप कितना भी सोचेंगे, और पॉजिटिव चीज़ों को एब्जॉर्ब करते रहना है टाइम टू टाइम। क्योंकि नीट के एग्ज़ाम के लिए सबसे मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लगता है कि आपको अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखना पड़ता है, कि हाँ मैं कर सकता हूँ, चाहे जैसे भी है। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस करिए, और हाँ ये चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि बहुत बच्चे क्या करते हैं कि एग्जामिनेशन दे के आते हैं, टेस्ट पेपर दे के आते हैं, मॉक टेस्ट दे के आते हैं, और उसके बाद से पेपर को फिर से रीचेक नहीं करते कि मेरे कितने सही हुए कितने गलत हुए, और मार्क्स भी मिलाने के बाद से जो क्वेश्चन गलत होते हैं उनकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आपको वो चीज़ ज़रूर से करनी है कि आप घर पर खुद से पेपर दीजिए, या किसी कोचिंग सेंटर के पेपर दीजिए। मार्केट में बहुत मॉक पेपर अवेलेबल रहते हैं, ऑनलाइन भी आजकल अवेलेबल है बहुत ज़्यादा। तो आप उस चीज़ को ध्यान रखिए कि जब पेपर कर ले 3 घंटे के बाद आपका मन नहीं कर रहा है, तो 1-2 घंटे रेस्ट करके फिर उसके बाद से आप उसी के उसी दिन, या बहुत ज़्यादा आपको प्रोकेस्टिनेट करते हैं तो अगले दिन आप जो भी क्वेश्चन आपने गलत किए हैं उसको ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए और उसको सीख लीजिए, ताकि नेक्स्ट पेपर में आपका वो गलत ना हो। और उसके अलावा आपको कुछ चीज़ें हैं जो लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन आपको हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होता है एग्ज़ामिनेशन के टाइम तक, कि आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा हो और फिज़िकल हेल्थ भी अच्छा हो। क्योंकि अगर आपके फिज़िकल हेल्थ भी अच्छी नहीं है, आपके अंदर इंड्योरेंस नहीं है कि आप 3 घंटे बैठ के लगातार पेपर दे पाएँ, आप अच्छे से खा पी नहीं रहे एग्ज़ामिनेशन की वजह से, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो ये चीज़ भी गलत है। आपको रेगुलर अच्छे से आप हॉस्टल में रह रहे हो या घर पर रह रहे हो, खाने के ऊपर ध्यान दीजिए, फ्रूट्स वगैरह, दूध, जो भी आपको जो चीज़ अच्छी लगती है वो चीज़ खाइए, हेल्दी चीज़ें खाइए। मी यूपी का एक उद्देश्य, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में अव्वल हो उत्तर प्रदेश।